हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बनाने वाले हैं पनीर की सब्ज़ी, वो भी बहुत बढ़िया, एकदम मसालेदार। जैसे कि आप ढाबे वगैरह में खाते हैं, बिल्कुल वैसी ही ये सब्ज़ी बनेगी, थोड़ी सी स्पाइसी साइड में और बढ़िया एकदम गाढ़ी सी ग्रेवी। तो चलिए फिर अब देर नहीं करते और फटाफट देखते हैं कि ये बनानी कैसे है। अब हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कोई भी आप एक पैन ले लीजिएगा, उसके बाद उसमें हम तेल डालेंगे। बहुत ज़्यादा तेल नहीं, एक बड़ा चम्मच के करीब आप इसमें तेल डाल दीजिएगा। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे हम पनीर के पीसेस इसमें रख देंगे। यहाँ पे जो पनीर है उसको मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, बट अगर आप चाहें तो आप ये स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप बिना शैलो फ्राई किया हुआ पनीर भी इसमें डाल सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको आप फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई तेल में डाल के, वो भी आप कर सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। मैं इसको यहाँ पे शैलो फ्राई कर रही हूँ। जब ये एक साइड से हो जाएंगे तो इसको एक एक करके मैं टर्न कर लूँगी, और टर्न करने के बाद बस अब जो नीचे वाली साइड है वहाँ से भी इसको थोड़ा सा मैं पका लूँगी। अब जब ये दोनों तरफ से हो जाए तो बस इसको आप किसी भी दूसरी प्लेट में इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके बाद अब उसी पैन में मैं यहाँ पे थोड़े से प्याज ले रही हूँ। इसको इस तरीके से बड़े मैंने क्यूब्स में काटा है, तो ये जो प्याज है इसको भी मैं हल्का सा सौते कर लूँगी। तेल मैंने और ज़्यादा नहीं डाला है, जो बचा हुआ तेल था बस उसी में इसको मैं सौते कर रही हूँ। जब तक ये हल्के से पिंक ना हो जाए बस तब तक करना है। थोड़ी देर में ही आप देखेंगे, हाई फ्लेम में ही कर रही हूँ, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो बस इसको भी हम उसी वाली प्लेट में निकाल लेंगे जिसमें हमने पनीर निकाला था। अब ये देखिए ये हो गया है। इसके बाद अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इस कढ़ाई में सबसे पहले हम ज़ीरा डालेंगे। एक चम्मच के करीब यहाँ पर आप इसमें ज़ीरा ऐड कर दीजिएगा। ज़ीरा डालने के बाद यहाँ पर हम लेंगे 2 लौंग, 3 से 4 काली मिर्च और 1 हरी इलायची। तो ये तीनों चीज़ इसमें ऐड कर देंगे। अभी गर्मियां हैं तो ज़्यादा नहीं डालेंगे, अगर ठंड का टाइम हो तो आप इसमें लौंग और काली मिर्च की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे काजू। तो काजू यहाँ पे आप 10 से 12 करीब ऐड कर दीजिएगा। और काजू डालने के बाद अब इन सभी चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप इसको चलाते रहिएगा। अभी हम तेल वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ करने वाले हैं, इसको ऐसे ही ड्राई रोस्ट करेंगे हाई फ्लेम में करीब 1 से 1.5 मिनट के लिए। 1 से 1.5 मिनट में ये आराम से हो जाता है। तो जब ये हो जाएगा फिर इसको ऐसे किसी प्लेट में हम निकाल लेंगे, और प्लेट में निकालने के बाद इसको साइड में रख देंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब इसके बाद वही वाली मैंने कढ़ाई यूज़ की है, इसमें अब हम डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल यहाँ पे मैंने 2 से 2.5 बड़े चम्मच यूज़ किया है। पहले मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया था जब मैंने शैलो फ्राई किया था, बट अब सरसों का तेल यूज़ किया है। जब ये बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा, देखिए आपको धुआं दिखने लगेगा, तो बस फिर इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ अदरक और लहसुन। इन दोनों ही चीज़ों को मैंने एकदम बारीक चॉप किया है, तो ये दोनों चीज़ें मैं इसमें डाल दूंगी। तेल में डालने के बाद फिर इसको करीब मैं आधा मिनट के लिए पकाऊंगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि तेल इस टाइम पे बहुत गर्म होता है। तो आधा मिनट पकाने के बाद फिर इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। प्याज यहाँ पे आप बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, बट अगर आप मीडियम साइज़ के प्याज ले रहे हैं तो वो आप 3 कर दीजिएगा। अब प्याज डालने के बाद इसको इस तरीके से हम चला लेंगे। ये जो हैंडी चॉपर है ये बहुत अच्छा होता है, और इसमें प्याज अगर आपको एकदम बारीक करने हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाते हैं। तो बस बीच बीच में प्याज को हम चलाते रहेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते। ये मैं हाई फ्लेम में ही कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से चलाते रहिएगा। अब जब तक प्याज हो रहे हैं तब तक हम जो बाकी चीज़ें हमने रोस्ट करके रखी थी वो देख लेते हैं उसका क्या करना है। तो सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें हम एक मिक्सर जार में डाल देंगे। ये डालने के बाद फिर इसी के साथ हम इसमें टमाटर डाल देंगे। यहाँ मैं 3 टमाटर यूज़ कर रही हूँ, मीडियम साइज़ के हैं इसलिए यहाँ पे मैंने 3 लिए हैं, बट अगर थोड़े बड़े साइज़ के हों तो आप यहाँ पे 2 ही यूज़ करिएगा।
इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से हरे धनिया को धो लें, उसके बाद इसमें डालें और बस इसका ढक्कन ऊपर से बंद करके इसको हम एकदम बारीक पीस लेंगे। बढ़िया सा इसका हमें फाइन पेस्ट बनाना है। तो ये देखिए, ये इस तरीके से इसका पेस्ट बन गया है। इसके बाद अब जो साइड में हम साथ में प्याज देख रहे थे वो भी लगभग हो ही चुके हैं। इसको भी आप इस तरीके से, मैंने बोला था, बीच बीच में चलाते रहिएगा। और बस अब ये भी बहुत बढ़िया से कलर के हो गए हैं हमारे प्याज। तो अब इसके बाद वो जो हमने पेस्ट बनाया है वो सारा का सारा ही इसमें हम ऐड कर देंगे। मिक्सर के जार को अच्छी तरीके से आप साफ़ कर लीजिएगा। थोड़ा सा उसमें पानी डाल के जो भी लगा हुआ मसाला होगा वो भी आप पानी इसी में ऐड कर दीजिएगा। और बस फिर इसके बाद इसमें हम बाकी की चीज़ें डालना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे नमक डालने से। नमक यहाँ पे आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। मैं यहाँ पे करीब 1.5 से 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच के करीब डाल दीजिएगा आप। धनिया पाउडर के बाद यहाँ पे हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ी सी तीखी वाली मिर्च भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर डालूँगी। और अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब टमाटर हमने अभी डाले हैं तो टमाटर को भी हमें अच्छी तरीके से पकाना है। तो बस इसको हम ऐसे ही पकने देंगे करीब 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम में। इतनी देर में जो हमने मसाले डाले हैं वो भी पक जाएंगे। तो अब आप चाहें तो आप इसको ढक भी सकते हैं या फिर आप इसको खुले में भी पका सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आप इसको ढक करके पका रहे हैं तो बीच बीच में चलाते रहिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि नीचे जो मसाला है वो लगे ना। अब ये देखिए, करीब 5 मिनट के बाद ये जो मसाला है इसने अपना तेल भी छोड़ दिया है। दैट मीन्स ये अच्छी तरीके से पक गया है और कलर भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आ गया है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बस अब इसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि हल्की सी ग्रेवी होनी चाहिए। कई बार ये भी होता है कि हम सब्ज़ी बना के रखते हैं और अगर 1 या 2 घंटे बाद उसको खाने जाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी होती है। तो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए अभी ही हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालने के बाद जब इसमें अच्छी तरीके से बॉईल आने लगेगा फिर इसमें हम ये जो पनीर और प्याज हमने रखे थे ये इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इसमें ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। ये ज़रूर डालिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और कसूरी मेथी डालने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। और बस ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अब ये जो हमारी पनीर की सब्ज़ी है ये बनके एकदम तैयार है। आप चाहें तो ऊपर से इसमें आप थोड़ा सा हरा धनिया डाल सकते हैं। बिल्कुल जैसे आप ढाबे में, शादियों में या फिर रेस्टोरेंट्स में खाते हैं वैसी ही ये सब्ज़ी बनी है। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।